बना कि 200 रुपए के लिए बैठी है वहाँ पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजीत रंजन ऑफिशियल। मैं आपका मित्र एडवोकेट अजीत रंजन लेकर आया हूं आपके समक्ष कानून से जुड़ी कुछ रोचक और कुछ जरूरी जानकारी। मित्रों, हाल ही में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ देखा कि बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, जो कि मौजूदा मंडी से सांसद चुनी गई हैं, उनको चंडीगढ़ हवाई अड्डे एक CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर के द्वारा चाटा मारा गया। और वो चाटा कुलविंदर कौर जो कांस्टेबल हैं उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में जो महिलाएं बुज़ुर्ग महिला भाग ले रही थी उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा था कि 100-100 रुपये लेकर ऐसी महिलाएं इस आंदोलन में धरने पर बैठती। इस टिप्पणी के कारण किसान परिवार से जुड़े हुए कई लोगों को या पूरे देश भर में अधिकतर लोगों को इस टिप्पणी से बहुत आघात लगा था। जो भी कानून का जानकार है, मैं कहूँगा कि लगभग 80% लोग आज भी किसान परिवार से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन सब इस टिप्पणी से काफ़ी आहत हुआ था। और ये जो महिला हैं, महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर, इनको भी इस टिप्पणी से जो आघात लगा क्योंकि उनके जो मीडिया बाइट्स देखने को मिले, उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ भी उस धरने में बैठी थी, इस वजह से आवेश में आकर उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दी। मित्रों, कुलविंदर कौर का कंगना रनौत को पब्लिक प्लेस में चांटा मारना इस बयान के बाद कितना उचित और कितना अनुचित है, ऐसा कई जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मित्र, उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया जिस पर काफ़ी लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न राय रखा। उसमें कुछ लोग कंगना रनौत के सपोर्ट में थे और कई लोग कुलविंदर कौर के सपोर्ट में थे। पर मित्रों, अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुलविंदर कौर ने किया वो निंदनीय और उसका समर्थन किसी भी देशवासी को नहीं करना चाहिए। भले उसने कंगना रनौत की टिप्पणी के विरोध में और आवेश में आकर कंगना रनौत को चाटा मारा, परंतु कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि अगर आपका किसी से मतभेद या मनभेद हो या किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे कि किसी की जनभावना को ठेस पहुँचता, उसके बदले कोई कानून को अपने हाथ में लेते हुए किसी पर फिजिकल असॉल्ट करे और कोई आम नागरिक करे तो उसको एक दृष्टि से देखा जाता है, मगर कोई जिम्मेदार नागरिक, डिफेंस फोर्सेस या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो अर्धसैनिक बल हैं, CISF, CRPF, पुलिस बल, ऐसे फोर्स से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारी ऐसा काम करें तो वह कभी भी क्षमा योग्य नहीं हो सके। इनके जो रूल्स या रूल बुक्स होती हैं या जो सर्विस बुक होती है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है कि जब भी कोई कर्मचारी किसी केंद्रीय बल या किसी सैनिक बल से जुड़ा हो और जब उसके शरीर पर वह वर्दी आती तो वह किसी भी पंथ से, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से ऊपर उठ के अपनी सेवा देश को समर्पित, यानी कि उसके ऊपर किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी पंथ का प्रभाव है वह नहीं पड़ता और वह इन सारे प्रभाव से ऊपर उठ के साफ मन से देश हित अपनी सेवा देश को प्रदान करता है। कुलविंदर कौर के द्वारा किया हुआ ये काम सुरक्षा में चूक की दृष्टि से देखा जाएगा और डिसिप्लिन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में ऐसे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी केंद्रीय बल, जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं या पुलिस बल, उनके बारे में जो अहम टिप्पणियां की उसमें हमेशा ये कहा है कि डिसिप्लिन और ओबीडियंस वो पैरामाउंट होता है ऐसे फोर्सेस के लिए, यानी कि सर्वोच्च होता है ऐसे फोर्सेस के या ऐसे फोर्सेस से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारियों से अनुशासनहीनता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं जो ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये लीगल पॉइंट से जुड़े हुए पहलुओं को मैं बता रहा हूँ। बहरहाल, कुलविंदर कौर FIR दर्ज की गई है और सेक्शन 321 IPC एंड 341 IPC में ये FIR दर्ज हुई है। उन्हीं के डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनके मोहाली में FIR दर्ज करवाई, जो कि जमानती अपराध, और इसमें अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया और अरेस्ट करने का कोई मतलब बनता भी नहीं और आगे तो जांच का विषय कि इसमें क्या निकल के आता है। बहरहाल, जो कुलविंदर कौर के द्वारा किया गया जो कृत्य था उस सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून में हर एक नागरिक को सामान्य अधिकार मिले हुए हैं। पब्लिक प्लेस पे किसी को भी आप नहीं मार सकते अगर आप उसकी किसी टिप्पणी से या उसके किसी कार्य से
हाथ हैं तो आप कानून की मदद लेते हुए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आप उसे उचित सजा दिलवा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई और आपको समझ में आए कि जो काम CISF की जवान ने किया वह कहीं से भी नहीं ठहराया जा सकता।